कला और संस्कृति के माध्यम से भारत और ईरान के मध्य आपसी सामंजस्य बढ़ाने और एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए नोएडा के AAFT स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन में इंडो ईरानियन कल्चरल सम्मिशन सेमिनार आयोजित किया गया। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, ICMEI और AAFT के संस्थापक प्रोफेसर पाजेस्की तेहरान यूनिवर्सिटी ईरान, प्रोफेसर मोनेसी अलजहरा यूनिवर्सिटी तेहरान ईरान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। एग्जीबिशन की शुरुआत रिबन काटकर की गई। AAFT स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन स्टूडेंट्स द्वारा फैशन एग्जीबिशन की थीम गैलेक्सी, इंडियन फेमिनिटी, इंडियन माइथोलॉजी, महाभारत, टाई एंड डाई, कलमकारी, फुलकारी, मधुबनी पेंटिंग आदि से प्रेरणा लेकर डिज़ाइन किया गया। साथ ही स्कूल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडेंट्स द्वारा एन एग्जीबिशन ऑफ फर्नीचर की थीम गिटार, होम बार, कैबिनेट, सूटकेस, टेबल एंड चेयर, फ्लोर डेस्क आदि बहुत ही शानदार तरीके से इन थीमों को आकृति देकर सजाया गया और स्टूडेंट्स द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। अतिथियों ने स्टूडेंट्स के कामों की जमकर सराहना की। डॉक्टर संदीप मारवा, ICMEI और AAFT के संस्थापक ने कहा, इंडिया और ईरान की दोस्ती बहुत सालों से है। कला और संस्कृति के माध्यम से इंडिया और ईरान के बीच के संबंधों को मजबूत किया गया। मुझे बहुत खुशी हुई स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और उनकी मेहनत देखकर। प्रोफेसर पजेश की तेहरान यूनिवर्सिटी ईरान ने कहा, इंडो ईरानियन कल्चर एक्सचेंज के लिए इस तरह के प्रोग्राम ज़रूरी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंडो और ईरान में। प्रोफेसर मोनेसी अलजहरा यूनिवर्सिटी तेहरान ईरान ने कहा, AAFT के स्टूडेंट्स बहुत ही क्रिएटिव हैं। कल्चरल प्रोग्राम से हमें अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों को भी जानने का मौका मिलता है। कार्यक्रम के समापन समारोह में मनोज अग्रवाल ने उपस्थित अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद किया। सर, आज का इवेंट आपको कैसा लगा? इंडो ईरान फिल्म एंड कल्चर फोरम के अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ पर फैशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग की एग्जीबिशन, इसकी प्रदर्शनी की थी। और ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हिंदुस्तान और ईरान के जो रिश्ते हैं वो हज़ारों साल पुराने हैं और इन रिश्तों को हम लोगों ने आर्ट और कल्चर के को दिमाग में रखते हुए इतने हज़ारों सालों से जोड़ा हुआ है। और उसी कड़ी में हम लोगों ने एम्बेसी ऑफ ईरान और उनका जो कल्चर सेंटर है उसके साथ मिलकर आज एक एग्जीबिशन का यहाँ आयोजन किया है। और ईरान से कुछ चर्चित जो डिज़ाइनर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने हमारे इस AAFT स्कूल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग और AAFT स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन के तमाम बच्चों के कार्यों को बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से सराहा है और उससे हमें भी बहुत इंकरेजमेंट मिली है। ये खुद जो डिज़ाइनर्स हैं ये खुद चर्चित हैं, अच्छा काम करते हैं, प्रैक्टिकली वहाँ अपना इनका काम जो है वो बहुत पहचान बना चुका है। और ये आप लोग जो हैं वो वहाँ ईरान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स भी हैं। कल इसी कड़ी में हम लोग एक ज़बरदस्त फैशन शो करने जा रहे हैं जहाँ पर 16 डिज़ाइनर जो इस वक्त ईरान से यहाँ पहुँचे हैं उनके तमाम डिज़ाइनर्स डिज़ाइंस को लेकर, उनके गारमेंट्स को लेकर जो ईरान से यहाँ वो लेकर आए हैं उनको हम लोग यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और ये सारा कार्यक्रम जो है एक नई दिशा और एक नई राह दिखा रहा है जहां हम आम जनता तक पहुंचने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और ईरान आपस में एक सगे दोस्त हैं। الان چه احساسی که تجربه خوبی بود برای شما اینجا بودید این برنامه بفرمایید ابراز کنید از احساسات خودتون که اینجا بودید من از وقت ورودم برای لحظات بسیار خوب بوده حالا خب فضای دانشگاهی چون ما تو ایران این فضا رو تجربه کردیم برام بسیار بسیار جالب لذت بخش و بیاد میداریم
since I entered in this campus, I feel I'm somewhere I have to enjoy, or maine enjoy kiya yahan aakar ke, and I feel same as like I'm in Irani University, jahan maine more than 4 decades padhaya hai. Mujhe bilkul waise hi mahol laga jahan students hote hain, creative students hote hain. So mujhe bahut acha laga. I'm really enjoyed. I've enjoyed. Anything you'd like to tell the students of India about their work in the exhibition and everything? نکته ای کلی میخوایم بگین به دانشجوامون در خصوص خلاصه کارهاشون که اینجا دیدید؟ کارها که خیلی خلاقانه و بسیار خوب بود و جای تقدیر داره بودن که جوانای ما انقدر خوش فکر و خلاق هستن و میدونم که سکان آینده دست جوانان است. اما خیلی خوبه که این خلاقیت ها، این در واقع ابتکار عمل هایی که در دانشگاه هایی مثل دانشگاه هند و ایران وجود داره بتونه با همدیگه نزدیک بشه که بتونیم در سطح جهانی کارهای بزرگتری انجام بدیم. मैंने जहाँ तक काम स्टूडेंट्स का देखा है और जो पोटेंशियल मैंने यहाँ देखा है, जिस तरह की क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स ने दर्शाई है, उसको देख के मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो आर्ट है उसका फ्यूचर बहुत ही सेफ हैंड्स में है और बहुत सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. बस यहाँ देख के मुझे सिर्फ एक ही बार बार ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा मौका हो जहाँ पे इंडिया और ईरान के स्टूडेंट सेम फील्ड के एक साथ बैठ के प्रोजेक्ट वाइज किसी खास थीम पे काम करें, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं जो पूरी दुनिया के लिए अपने आप एक मिसाल होगा. من فکر میکنم که حضورم توی این دانشگاه یکی از شانس‌های من بود، به خاطر اینکه خیلی هیجان زده شدم از کارهای بسیار خلاق و زیبایی که از دانشجویان محترم اینجا دیدم. خیلی برام هیجان انگیز بود از اینکه با اساتید محترم اینجا آشنا بشم و امیدوارم که این ارتباطات گسترده‌تر و بیشتر و بهتر باشه. मैं इस कैंपस में आने के बाद से जो मुझे फ़ील हुआ, मैंने बाकायदा अपने आप को थ्रिल्ड और बहुत ज़्यादा अमेज्ड फील किया यहाँ आने के बाद से, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और ये उम्मीद करती हूँ कि इंडिया और ईरान के साथ इस तरह के एकेडमिक जो एक्सचेंजेस हैं वो होते रहें, जिससे एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीख सकें.